चलिए बेटा आगे सब लोग। नाउ इट इज नॉट बफरिंग बेटा, अब बफरिंग नहीं हो रहा बेटा। आगे सब लोग। ओके बेटा चलिए सब लोग ऑनलाइन हो जाओ फटाफट। चलिए बेटा कितने लोग अभी नहीं हैं। गुड आफ्टरनून बेटा। चलो कैन वी स्टार्ट नाउ। आज का बेटा जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ लीव। आज का टॉपिक क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ लीव। ओके टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लीव एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। चलिए बेटा कितने लोग अभी नहीं है ऑनलाइन, सब लोग आ जाओ। ओके वी विल स्टार्ट, स्टार्ट कर दे बेटा। शैल वी स्टार्ट नाउ? जस्ट अ मिनट बेटा, थोड़ा मैं सेटअप कर लेता हूं। ओके बेटा नाउ इट इज क्लियर। चलिए स्टार्ट करें बेटा। सो टाइप्स ऑफ लीव, सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव, वन इज सिंपल लीव एंड सेकंड वन इज द कंपाउंड लीव। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड द कंपाउंड लीव? सो देयर आर mainly two types of leaf. One is simple leaf and second one is the compound leaf beta. One is simple leaf and second one is the compound leaf. Now, what are the difference between simple and the compound leaf, beta? So, first part is the simple leaf. First is the simple leaf, beta. So, what happened in the simple leaf? In simple leaf, okay, actually, it has the full margin, means जो सिंपल लीफ होगा बेटा इट इज अ सिंपल, ओके द सिंपल लीफ इज सिंपल, इट इज अ सिंपल एंड द सिंपल लीफ देयर मार्जिन इज नॉट डाइसेक्टेड, दैट देयर margin is not
डाइसेक्टेड जस्ट मिनट बना आया मार्जिन इज नॉट डाइसेक्टेड. डाइसेक्टेड का मतलब मार्जिन बेटा कट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बेटा आपको लीफ ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं. एंड इफ इफ इंसिजन इज देयर देन इट इज नॉट अप टू मिडरिप और टिप ऑफ द पेटियोल. टिप ऑफ पेटियोल थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको बेटा, पर मैं यहां पर अभी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज द लीफ, दिस इज द पेटियोल. नाउ लीफ इज लाइक दिस and inside it it possesses the midrib and it has the vein and the veinlets. So beta this is called the simple leaf or it is called the compound leaf. It is simple. The margin is not dissected. Margin dekho beta pura hai. Agar margin mein incision hoga, incision matlab cut hoga, to dekho beta if the margin is dissected or cut तो बेटा ऐसा होगा. ऐसा होगा बेटा. यहां पर भी अगर हम और बहुत बनाए ऐसा होगा. मीन्स यहां पर देखो बेटा मार्जिन क्या है, मार्जिन इज डाइसेक्टेड, मार्जिन कटा हुआ है, बट दिस डाइसेक्शन और दिस इंसिजन इज नॉट रीच अप टू द मिडरिप और पेटियोल. मीन्स ये जो बेटा कटा हुआ पार्ट है वो पेटियोल टिप तक यानी यहां तक और मिडरिप तक नहीं पहुंचता. दैट इज कॉल्ड द सिंपल लीफ. अब बेटा मैं जब कंपाउंड की बात करूंगा आपको तुरंत पता चल जाएगा. Okay, तो ये पता चल गया बेटा सिंपल लीफ. नाउ द सेकेंड पार्ट इज नाउ वेयर द सिंपल लीफ इज प्रेजेंट. तो सिंपल लीफ इज फाउंड एग्जाम्पल इट इज फाउंड इन मैंगो. अब बेटा देखो कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ तो यहां पर क्या होगा बेटा द मार्जिन इज इनसीजन, मार्जिन हैज इंसिजन एंड दैट इंसिजन इज रीच अप टू द मिडरिप और पेटियोल. तो यहां देखो बेटा द मार्जिन ऑफ लीफ हैज इंसिजन, मार्जिन ऑफ लीफ हैज इंसिजन एंड सच इंसिजन सच इंसिजन इज रीच अप टू मिडरिप और टिप ऑफ पेटियोल. मीन्स बेटा मैं यहां पर आपको बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं बेटा कि सपोज दिस इज द लीफ, राइट, दिस इज द लीफ. नाउ मार्जिन हैज इनसीजन, मार्जिन में बेटा इनसीजन है, मीन्स मार्जिन कटा हुआ है. And this cut part is reach up to the midrib. देखो बेटा
अब ये मार्जिन कटा हुआ है यहां से, और जो कट पार्ट है बेटा वो कहां तक है, तो दे आर अप टू द मिड रिब, तो ऐसा हो जाएगा बेटा, पता चला क्लियर। मार्जिन कटा हुआ है और कट कट कर कहां तक आ चुका है, तो दे आर कट एंड रीच अप टू द मिड रिब। वैसे ही बेटा दूसरा है बेटा यहां पर कि मार्जिन इज कट, ऐसे है बेटा पहले लिफ और मार्जिन कटा हुआ है एंड इट इज रीच अप टू द टिप ऑफ द पेटियोल, मीन्स बेटा मार्जिन कटकर पेटियोल की टिप तक आ गया है, मीन्स ऐसे। क्लियर, पता चला। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ, वन इज पीनेट एंड सेकंड वन इज द पाल्मेट बेटा, पीनेट एंड द पाल्मेट। इन पीनेट द मार्जिन इज डाइसेक्टेड अप टू द मिड रिब, मार्जिन इज डाइसेक्टेड अप टू मिड रिब, और यहां पर बेटा मार्जिन इज डाइसेक्टेड अप टू टिप ऑफ पेटियोल, मार्जिन इज डाइसेक्टेड अप टू द टिप ऑफ पेटियोल, मीन्स यहां क्या हुआ बेटा कि मार्जिन इज डाइसेक्टेड अप टू मिड्रिप, मार्जिन कहां तक डाइसेक्टेड बेटा मिड्रिप तक, और यहां पर अप टू द पेटियोल। मैं यहां पर अब डायग्राम ड्रॉ करूंगा बेटा, तो ऐसा होगा, देखो ये एक लीफ है बेटा और ये उसका मिड्रिप है, तो उसके ऊपर ऐसे लीफ होगा बेटा, लीफ ऐसे होंगे, एक्चुअल लीफ क्या है बेटा, ऐसा है लीफ, देखो क्लियर, एंड उसका मार्जिन कटा हुआ है, सो द लीफ इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल लीफलेट, ओके, सो द लीफ इज कन्वर्ट इनटू स्मॉल लीफलेट्स, यानी बेटा ये छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, लीफलेट हो जाएंगे, और बीच में ये मिड्रिप, और बेटा ये कैसा दिखता है आपको, फेदर जैसा दिखता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पीनेट, क्या बोलते हैं बेटा, पीनेट। अब यहां पाल्मेट में क्या होगा बेटा, तो पाल्मेट में देखो दिस इज द पेटियोल, दिस इज द मिड्रिप, के अब पेटियोल टिप तक बेटा, यानी अब उसके ऊपर लीफ होंगे तो ऐसे होंगे, क्लियर, यानी द मार्जिन इज कट, ऐसा लीफ, पूरा लीफ ऐसा है बेटा, पर मार्जिन कट कर दिया हमने, मार्जिन उसका कट कर दिया है, और कहां तक कट कर दिया बेटा, टिप ऑफ पेटियोल तक, के तो ऐसे तीन लीफलेट बन जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक लीफलेट बोलते हैं, और इट इज लुक्स लाइक अ पाम, पाम के जैसा दिखता है बेटा, के इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, पाल्मेट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पाल्मेट, के क्लियर, यहां तक पता चला। अब पीनेट है बेटा, पीनेट के भी तीन टाइप है बेटा, यूनिपिनेट, बाईपिनेट, मल्टीपिनेट एंड डीकंपाउंडेड, तो बेटा यहां पर मैं तीनों ड्रॉ करता हूं, तो देखो फर्स्ट है बेटा यूनिपिनेट, यूनिपिनेट, सेकंड है बेटा बाय पिनेट, थर्ड है बेटा
मल्टीपिनेट, देर आर थ्री टाइप, यूनिपिनेट, बायपिनेट, मल्टीपिनेट, एक और है बेटा डिकम्पाउंडेड, वो मैं आगे लिखता हूं बेटा। तो पहले है यूनिपिनेट, यूनिपिनेट का मतलब क्या है, द लीफलेट्स आर डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन द मेन मिडरिब, क्या होगा बेटा, लीफलेट आर डायरेक्ट प्रेजेंट ऑन मेन मिडरिब। मीन्स बेटा ऐसा होगा, देखो ये मेन मिडरिब है, उसके ऊपर ही डायरेक्ट लीफलेट्स होंगे, यहां क्या होगा बेटा, द मेन मिडरिब इज बाइफर्केट और मिडरिब इज डिवाइडेड, यहां पर बेटा होगा द मेन मिडरिब इज ब्रांचड एंड द लीफलेट प्रेजेंट ऑन ब्रांचेस, यानी बेटा इसमें क्या होगा, देखो अभी यह है मेन, ये एक मेन मिडरिब है, मिडरिब ब्रांचड है बेटा, मिडरिब में ब्रांचिंग है और ये सारे जो ब्रांच है बेटा उसके ऊपर लीफलेट होंगे ऐसे, क्लियर, यानी देखो बेटा यहां पर डायरेक्टली मिडरिप पे था, तो ये यूनिपिनेट, यहां पर मिडरिप में एक एक ब्रांच हुआ, मल्टीपिनेट में क्या होगा, इट इज द लीफलेट प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी ब्रांच, ये बेटा प्राइमरी ब्रांच था। अब आगे देखे बेटा तो इसके आगे ऐसा होगा, इसका ये ब्रांच और ये ब्रांच में भी अंदर ब्रांचिंग होगा, ब्रांच में भी अंदर ब्रांचिंग और उसके ऊपर बेटा लीफ, यानी लीफ यहां पर होगा, यानी देखो यहां पर डायरेक्ट मिडरिप में, यहां पर मिडरिप में एक ब्रांच उसके ऊपर लीफ, यहां पर मिडरिप में ब्रांच उसमें भी ब्रांच और लीफ उसके ऊपर, क्लियर बेटा। अगर यहां पर एग्जांपल देखे बेटा तो यूनिपिनेट इज फाउंड इन दी केशिया फेस्टुला एंड दी सीजल सेस्बिनिया, एग्जांपल इट इज फाउंड इन दी केशिया फेस्टुला एंड सेस्बेनिया, क्या बेटा, और दूसरा है बेटा बायपिनेट, बायपिनेट का बेटा एग्जांपल क्या है, तो बायपिनेट इज फाउंड इन दी सीजालपेनिया अकेशिया एंड गुलमोहर, इट इज फाउंड इन सीजालपेनिया अकेशिया एंड गुलमोहर, एंड बेटा मल्टीपिनेट है तो मल्टीपिनेट का एग्जाम्पल बेटा मोरिंगा, एग्जाम्पल मोरिंगा। अब बेटा इसके भी आगे है, सपोज इसमें भी ब्रांच हो और आगे लीफलेट हो, तो इट इज नोन एज द डीकंपाउंडेड, द लास्ट इज डी
compounded. So leaflet is present on the tertiary branch. ये secondary है बेटा, tertiary branch. So leaflet present on tertiary branch बेटा. और उसका example क्या है? तो बेटा उसके example में आएगा coriander and the croton. Croton and coriander. क्या आएगा? Cotton and the coriander. मतलब बेटा simply याद रखना है कि याद क्या रखना है, अगर midrib पे directly अगर leaflet है तो unipinnate, midrib branch रहे हैं उसके ऊपर leaf है bipinnate, अगर midrib में branch है और उसमें भी branch है that is multipinnate, and decompounded बेटा कि tertiary branch, ये primary branch है, ये secondary branch, ये tertiary branch पे अगर leaf हो तो that is called the decompounded. वैसे ही बेटा यहां पर जो palmate है बेटा, तो palmate में भी बेटा तीन अलग अलग टाइप है, कि palmate में भी अगर हम डिवाइड करें बेटा तो कौन कौन से टाइप है, palmate में भी बेटा देखो एक है यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट, सेकंड वन इज बाय फोलिएट, थर्ड वन इज ट्राई फोलिएट, देन टेट्रा फोलिएट एंड लास्ट इज द मल्टी फोलिएट. यानी ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं कि अगर पेटियोल पे एक ही लीफ है, सोचो ऐसे कि ये टिप पेटियोल है, टिप ऑफ द पेटियोल, उसके ऊपर बेटा एक ही लीफलेट है ऐसे, देन इट इज यूनिफोलिएट. अगर उसके ऊपर बेटा दो है, टिप पे दो है, देन इट इज बायफोलिएट. फिर बेटा अगर तीन है, देन इट इज ट्राइफोलिएट. अगर बेटा चार है, चार है तो दैट इज टेट्राफोलिएट. और लास्ट है बेटा मल्टीफोलिएट, मल्टी फोलिएट. तो मल्टी फोलिएट में मोर देन फोर, मतलब बेटा ऐसा हो सकता है पांच, और पांच से ज्यादा बेटा. ओके, तो अगर बेटा एक ही लीफलेट है पेटियोल पे देन इट इज नोन एज द यूनिफोलिएट. एग्जाम्पल क्या होगा बेटा यूनिफोलिएट का, लेमन. क्या है बेटा इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफोलिएट इज लेमन. ओनली वन लीफलेट, ओनली वन लीफलेट इज प्रेजेंट ऑन द पेटियोल. तो बेटा यहां पर, यहां पर मैं एक लिख देता हूं कि लीफलेट प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ पेटियोल, अगर एक है तो यूनिफोलिएट, दो है बायफोलिएट, तीन है ट्राई, चार है टेट्रा और मैनी देन इट इज कॉल्ड मल्टीफोलिएट. तो बेटा यूनिफोलिएट में लेमन एग्जांपल है, बायफोलिएट में बैलेनाइट्स एंड बोहिनिया. एग्जांपल इज बैलेनाइट्स एंड बाउहिनिया, बैलेनाइट्स एंड दी बाउहिनिया. फिर बेटा ट्राइफोलेट्स है बॉम्बेक्स एंड ऑक्सालिस. बोल बेटा. सारू जो चल आऊ जो चल
चल बेटा। तो बाहुनिया एंड द बेलेनाइट्स एंड ट्राइफोलियन में बेटा एग्जांपल क्या है, बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स एंड ऑक्सालिस। बेटा बॉम्बेक्स आप सबको पता होगा, ये बिलीपत्र, दैट इज बॉम्बेक्स। फिर बेटा जो टेट्राफोलियट है दैट इज मार्सेलिया, एग्जांपल इज मार्सेलिया। एंड मल्टीफोलियट है बेटा दैट इज सिल्क कॉटन, चले बेटा मैं वापस सारी चीजें एक बार बोलता हूं कि टाइप्स ऑफ लीफ है बेटा। तो टाइप्स ऑफ लीफ में दो टाइप है, एक है सिंपल और एक है कंपाउंड। जो सिंपल लीफ है बेटा वो सिंपल है और उसमें मार्जिन डाइसेक्टेड नहीं होता। अगर डाइसेक्शन है, मार्जिन कटा हुआ है, तो वो मिडरिब या फिर पेटियोल तक नहीं आता। ओके, ये हो गया सिंपल लीफ, एग्जांपल मैंगो। वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल लीफ, सिंपल लीफ पजेस द एक्सिल, ओके मींस इट पजेस एक्सिस एंड इट डू नॉट हैव लीफलेट। इसमें लीफलेट नहीं होंगे, यहां लीफलेट होंगे। यहां देखो कंपाउंड लीफ में बेटा इंसिजन होगा और इंसिजन अगर मिडरिब तक है बेटा, इंसिजन कहां तक है, मिडरिब तक है, तो उसको बोलते हैं पिनेट। और अगर मिडरिब तक नहीं और टिप ऑफ द पेटियोल तक है बेटा, तो उसको बोलते हैं पालमेट। यहां पीछा जैसा है बेटा, फेदर जैसा है, इसलिए पिनेट बोलते हैं। यहां पाम जैसा है, ऐसे है बेटा, तो उसको बोलते हैं पालमेट। अब उसमें बेटा टाइप है यूनि बाय मल्टी। यूनि मतलब डायरेक्टली अगर मिडरिप पे बेटा लीफलेट है तो यूनि, मिडरिप ब्रांच है और उसमें है बेटा तो बाय, मिडरिप में ब्रांच है और उसमें भी ब्रांच है तो दैट इज मल्टी, एंड अगर उससे आगे भी ब्रांच है देन इट इज कॉल्ड डिकम्पाउंडेड। उसके एग्जांपल यूनिफोलिएट, पेटियोल पे एक ही लीफलेट हो, पेटियोल पे दो लीफलेट हो, पेटियोल पे तीन लीफलेट हो, पेटियोल पे चार लीफलेट हो, पेटियोल पे चार से ज्यादा हो, तो दैट इज यूनि बाय ट्राई टेट्रा इन द मल्टी फॉलिएट। और यहां पर बेटा एक चीज आपको याद रखनी है कि कंपाउंड लीफ हैज नो एक्सिल। बेटा यहां एक्सिल होगा, कंपाउंड लीफ हैज एक्सिल बट एक्सिल बट द लीफलेट, ये सारे जो बेटा लीफलेट होंगे उसको यहां कोई एक्सिल होगा नहीं। मतलब मैं यहां बेटा राउंड करके लिख देता हूं, दोनों में कॉमन होगा बेटा ये कि लीफ हैज एक्सिल बट लीफलेट हैज नो एक्सिल। यानी इसको हम एक्सिल बोल सकते हैं बेटा, इसको एक्सिल बोल सकते हैं, पर ये लीफलेट जो है बेटा उसके अंदर कोई एक्सिल होगा नहीं। क्लियर बेटा? अगर ये सारा पॉइंट अगर पता चल गया है बेटा तो प्लीज प्लीज थंब कर दीजिए बेटा। इफ यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल, अगर कोई डाउट है तो भी बता दो बेटा, मैं इसका फोटो भी ले लेता हूं। एक बार बेटा समझ में आ गया तो बहुत इजी है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिनेट एंड पिनेट, यूनिपिनेट? बेटा यूनिपिनेट का ही टाइप है ये, यूनिपिनेट मैंने यहां ड्रॉ किया वो यूनिपिनेट ही है, यानी पिनेट के ही ये टाइप है बेटा, यूनि बाय एंड मल्टी। ओके, ये तीनों बेटा उसके ही टाइप है, यूपिनेट के ही तीनों टाइप है, यानी मैंने जो ड्रॉ किया वो यूनिपिनेट ही है बेटा। सर कैन यू जस्ट टेल दैट इन विच क्लास ऑफ कंपाउंड लीफ वी कैन पुट विद्या प्लांट लीफ? बेटा विद्या का जो प्लांट है ना बेटा, विद्या प्लांट जो आप देखोगे तो मल्टी में रख सकते हैं या फिर रिकम्पाउंडेड में रख सकते हैं। साक्षी ओके बेटा, सारे लोग हैं प्रेजेंट? चलिए बेटा फटाफट, क्लियर यहां तक? ओके, तो बेटा हम आगे देखें।
और नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सर पालमेट। पालमेट ये रहा बेटा, क्या पूछना चाहते हो पार्थ आप पालमेट में? थोड़ा लाइट भी बेटा कम आ रहा है, आई थिंक सो। पालमेट क्या आप क्या पूछना चाहते हो पार्थ? चलिए बेटा अभी नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। पार्थ बेटा आपका डाउट है पालमेट मींस क्या पूछना चाहते हो? तो पालमेट में बेटा जो कट होता है वो पेटियोल तक होता है, पेटियोल की टिप तक होता है, इसलिए वो पाम जैसा दिखता है, इसलिए उसको हम पालमेट बोलते हैं। अगर एक है लीफ यूनी, दो लीफ है टिप पे बाय, तीन टिप है टिप पे, तीन लीफ है ट्राई, टिप पे चार लीफ है टेट्रा। क्लियर बेटा? लीफलेट। चलो बेटा अब है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। चलिए लीफ, सो बेटा ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में फर्स्ट पॉइंट है स्टोरेज ऑफ फूड। फर्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ फूड। तो बेटा स्टोरेज ऑफ फूड इट इज नोन एज द टूनिकेटेड बल्ब। क्या बोलते हैं बेटा उसको? टूनिकेटेड बल्ब, टूनिकेटेड बल्ब। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ टूनिकेटेड बल्ब। वन इज दी सिंपल टूनिकेटेड बल्ब एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड टूनिकेटेड बल्ब बेटा। सो सिंपल टूनिकेटेड बल्ब एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? ऑनियन, ऑनियन। एंड कंपाउंड एग्जाम्पल इज गार्लिक। तो बेटा इसमें क्या होगा देखो, नाउ इन ऑनियन एंड गार्लिक द स्टेम, द अंडरग्राउंड स्टेम इज कंडेंस एंड इट इज थिन। देखो बेटा दे अंडरग्राउंड स्टेम बिकम कंडेंस्ड एंड थिन, इट पॉजेस द कॉन्सेंट्रिक लीफ, इट पॉजेस द लीफ। कैसे होंगे बेटा? तो यहां पर लीफ होंगे कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, डिपॉजिट दी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड लीफ एंड द फूड स्टोर इन द बेस ऑफ द लीफ, दी फूड स्टोर इन द बेस ऑफ लीफ एंड इट इज नोन एज टूनिकेटेड बल्ब। मतलब बेटा देखो यहां पर मैं ऑनियन बना रहा हूं तो ये बेटा उसका स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम बिकम कंडेंस एंड थिक, एकदम थिन हो जाएगा बेटा, उसके ऊपर से यहां
रूट भी होंगे. नाउ द लीफ इज प्रेजेंट कॉन्सेंट्रिकली, मीन्स सेंटर में सारे लीफ होंगे. और बेटा लीफ देखो ऐसे, प्रिपेयर द फूड एंड स्टोर एट द बेस. ऐसा होगा बेटा ऑनियन में, आपने देखा हो तो यानी बेस में ये सारे लीफ है बेटा. लीफ के बेस में बेटा क्या होता है, फूड स्टोर होता है. एंड द पेरिफेरल, दिस इज द लीफ बेस, दिस इज द स्टेम. और बेटा उसमें जो पेरिफेरल लीफ होंगे, पेरिफेरल लीफ इज पेपरी एंड ड्राई. यानी आसपास जो लीफ होंगे बेटा वो पेपरी होंगे और ड्राई होंगे. आप देखो ऑनियन लो, ऊपर से लीफ निकालो बेटा, एकदम कैसे होंगे, ड्राई और पेपरी होंगे और निकल जाएंगे, और अंदर फूड स्टोर होगा. क्लियर बेटा, यहां तक पता चला. अब सेकंड पॉइंट है बेटा उसका, क्लाइंबिंग. क्लाइंबिंग है और उसको बोलते हैं बेटा सपोर्ट. क्या बोलते हैं, सपोर्ट. सो हियर द पार्ट ऑफ द लीफ और होल लीफ इज कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स. हियर द लीफ और अ पार्ट ऑफ लीफ कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल. यानी बेटा लीफ और लीफ का कोई पार्ट टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज ग्लोरियोसा. एग्जाम्पल इज ग्लोरियोसा बेटा, किसमें, इन ग्लोरियोसा द लीफ एपेक्स इज कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल. लीफ एपेक्स कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल. लाइक बेटा देखो ऐसे, ये पूरा लीफ है एंड द लीफ एपेक्स यहां पर कोई एक सपोर्ट है. सो द लीफ एपेक्स इज कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल. सो बेटा क्या हो गया, जो लीफ एपेक्स था, लीफ का जो मेन पार्ट होता है एपेक्स पार्ट, ओके, जो पॉइंटेड पार्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिल लाइक स्ट्रक्चर. और वो क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा बेटा, एंड इट इज हेल्प इन क्लाइंबिंग. दूसरा है बेटा इन स्माइलेक्स. सेकंड इन स्माइलेक्स, तो स्टिप्यूल बिकम टेंड्रिल्स. द स्टिप्यूल कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल. तो उसमें कैसा होगा बेटा, ऐसे और यहां पर क्या होगा बेटा, जो दो स्टिप्यूल होते हैं बेटा, द स्टिप्यूल इज कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल. जो स्टिप्यूल होते हैं बेटा वही टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएंगे. और बेटा थर्ड है, थर्ड क्या है बेटा, सो इन स्वीट पी, इन स्वीट पी एंड द गार्डन पी, इन स्वीट पी एंड गार्डन पी, इसमें क्या होगा बेटा, टर्मिनल लीफलेट कन्वर्टेड इनटू
टेंड्रिल, देखो बेटा, देम टर्मिनल लीफलेट कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल। कैसे बेटा, तो देखो ये एक प्लांट है और ये रहा उसके लीफलेट, यहां पर एक लीफलेट है, दूसरा लीफलेट, तीसरा, ये सारे लीफलेट है। टर्मिनल मतलब बेटा एंड के जो लीफलेट होंगे वो ऐसे पता चला, यानी ये है लीफलेटिंग, पर लीफलेट किसमें कन्वर्ट हो गए, तो लीफलेट कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर। और वन मोर है बेटा, मैं यहां पर ही बता देता हूं कि फोर्थ इज, फोर्थ क्या है बेटा, तो फोर्थ है बेटा बिग्नोनिया, बिग्नोनिया। तो उसमें क्या होगा बेटा, द टर्मिनल लीफलेट, टर्मिनल लीफलेट कन्वर्ट इनटू हुक, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, हुक में, मतलब ऐसे देखो ये एक लीफलेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहां पर टर्मिनल जो लीफलेट है बेटा वो ऐसे बन जाएंगे हुक लाइक स्ट्रक्चर। यानी सिंपली बेटा मैं दोनों एक बात दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूं। स्टोरेज ऑफ फूड, उसमें क्या होता है बेटा, उसका स्पेशल नाम है टूनिकेटेड बल्ब। अगर एक ही है तो सिंपल टूनिकेटेड बल्ब, तो ऑनियन, और गार्लिक में हम सबको पता है बेटा उसमें बहुत सारे ऐसे बल्ब होते हैं तो उसको कंपाउंड टूनिकेटेड बल्ब बोलते हैं। अब बेटा यहां क्या होता है, जो स्टेम होगा वो कंडेंस होगा और एकदम पतला होकर थीन हो जाएगा, उसके ऊपर सेंटर में लीफ होंगी और लीफ के बेस में बेटा फूड स्टोर होगा और ये बल्ब फूल जाएगा, ओके। और जो आसपास के जो लीफ होंगे बेटा वो पेपर ही होंगे और ड्राई होंगे। यहां क्या होगा, सपोर्ट के लिए या तो लीफ, ये देखो ये पूरा लीफलेट, और या फिर पार्ट ऑफ लीफ, जैसे ग्लोरियोसा में एपेक्स, स्माइलेक्स में टेंड्रिल, स्वीट पी और गार्डन पी में बेटा टर्मिनल लीफलेट कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल्स, और बिग्नोनिया में टर्मिनल लीफलेट इज कन्वर्टेड इनटू हुक लाइक स्ट्रक्चर, किसमें बेटा हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर बेटा एक और टाइप है फोटोसिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस। सो इन फोटोसिंथेसिस फर्स्ट इज स्वीट पी, जस्ट अ मिनट बेटा बैटरी चली गई है, एक दो मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा, ओके, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके बेटा, ओके। अब उसमें बेटा फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट है स्वीट पी, तो स्वीट पी में क्या होगा बेटा कि स्टिप्यूल, स्टिप्यूल कन्वर्ट इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यानी बेटा उसमें देखो ऐसा होगा कि अगर ये प्लांट है और ये बेटा उसके लीफलेट है, अब आपको लगेगा सर ऐसा क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि स्वीट पी में बेटा दो मॉडिफिकेशन होते हैं, वन क्लाइंबिंग के लिए तो होता ही है मॉडिफिकेशन, और जो बेटा उसमें जो यहां पर स्टिप्यूल होंगे दैट स्टिप्यूल बिकम लार्ज, स्टिप्यूल कैसे हो जाएंगे बड़े, एंड दैट स्टिप्यूल हेल्प इन
फोटोसिंथेसिस में बेटा हेल्प करेंगे। वैसे ही बेटा दूसरा है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है, पेटियोल कन्वर्टेड इंटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेटियोल कन्वर्ट इंटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फाइलोड। क्या बोलते बेटा उसको, फाइलोड। ओके, मैं यहां पर ऐसे ब्लॉक बना देता हूं बेटा। ओके, तो उसमें क्या होगा बेटा, देखो पहले जो पेटियोल होगा बेटा वो ग्रीन कलर का और फूल जाएगा, और उसके ऊपर बेटा लीफलेट होंगे ऐसे, यानी ओरिजिनल लीफ कौन सा है बेटा, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज लीफ, और ये क्या है बेटा, सो दिस इज द पेटियोल, यानी पेटियोल है वही बेटा क्या हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर का, और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब है बेटा प्रोटेक्शन, थर्ड क्या है बेटा, प्रोटेक्शन, सो प्रोटेक्शन में बेटा लीफ और पार्ट ऑफ लीफ कन्वर्टेड इनटू थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, लीफ और पार्ट ऑफ लीफ कन्वर्ट इंटू थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, यानी लीफ या फिर पार्ट ऑफ लीफ बेटा कन्वर्ट इंटू द थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैं यहां पर तीन एग्जाम्पल लिखता हूं बेटा, एक है अकेशिया एंड ज़िज़िफ़स, दूसरा है बेटा अकेशिया एंड ज़िज़िफ़स, सेकंड है बेटा एगेव एगेव, एंड थर्ड है बेटा ओपुंचिया। के तो बेटा देखो पहले अकेशिया एंड ज़िज़िफ़स में क्या होगा, तो इन अकेशिया एंड ज़िज़िफ़स ट्रिप्यूल बिकम थॉर्न, एगेव में बेटा लीफ एपेक्स कन्वर्टेड इनटू थॉर्न, एंड ओपुंचिया में होल लीफ कन्वर्टेड इनटू थॉर्न। मतलब बेटा अकेशिया और ज़िज़िफ़स में क्या होगा, तो अकेशिया और ज़िज़िफ़स में ऐसा होगा, देखो अगर ये प्लांट है तो उसमें बेटा ये जो होगा कौन स्टिप्यूल्स वही है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। एगेव में क्या होगा बेटा, तो इन एगेव में प्लांट का जो ये एपेक्स होगा बेटा लीफ एपेक्स यानी जो एपेक्स पार्ट होगा बेटा लीफ का वही थॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओपुंचिया में तो क्या होता है बेटा जो स्टेम होता है बेटा वो कैसा हो जाता है फ्लैट और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो लीफ होंगे बेटा वो लीफ ही क्या होंगे थॉर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे, लीफ कन्वर्टेड इनटू थॉर्न, यानी होल लीफ इज कन्वर्टेड इनटू थॉर्न। लास्ट टाइम मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था बेटा कि ओपुंचिया में लीफ जो होते बेटा वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स ओपुंचिया में लीफ होते ही नहीं है, स्टेम होता है वो क्या फंक्शन करता है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है, लीफ होता है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। क्लियर बेटा, तो ये चीज जो प्रोटेक्शन के लिए होगी। और लास्ट है बेटा इंसेक्टिवॉरी, इंसेक्टिवॉरी प्लांट, तो क्या होता है बेटा इंसेक्टिवॉरी प्लांट में, तो यहां पर दो है बेटा नेफेंथेस एंड द अल्ट्रिक्युलेरिया, दो है बेटा एंड नेफेंथेस, थोड़ा जगह छोटा हो गया बेटा, नेफेंथेस दे लीफ एपेक्स कन्वर्ट इनटू पिचर,
मीन्स बेटा नेफेंथ इसमें क्या होता है, जो लीफ एपेक्स होगा वही पीचर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको पीचर प्लांट भी बोलते हैं बेटा। देखो इसमें क्या होगा कि फॉर एन एग्जाम्पल सपोज ये लीफ है, तो लीफ का जो एपेक्स पार्ट होगा बेटा वो एपेक्स पार्ट ही क्या बनाएगा, ऐसे पीचर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, मीन्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसके अंदर इंसेक्ट जाएगा तो उसको मार देगा क्योंकि वो एंजाइम रिलीज करते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर इंसेक्ट जाएंगे इट विल रिलीज सम एंजाइम एंड दे किल द इंसेक्ट, इसलिए उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका बेटा दूसरा भी एग्जाम्पल है इन अर्ट्रिक्यूलारिया, क्या है बेटा अर्ट्रिक्यूलारिया, द होल लीफ इज कन्वर्टेड इन टू ब्लैडर, ब्लैडर मतलब बेटा उसमें पूरा लीफ है वही पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, वही पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या करेगा इंसेक्ट को मारने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें क्या होगी बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट है, चलो यहां तक कोई डाउट है बेटा, इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो बेटा रख दो चलो फटाफट। समझने में बहुत इजी है बेटा, सिर्फ आपको प्रॉब्लम आएगा तो एग्जाम। डिड इट स्टॉप इन बिटवीन फ्यू सेकंड्स आगो? यस बेटा थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था ये, यस यस। चलिए बेटा जिसको भी डाउट है बोलो, फिर मैं वापस ये सारी चीजें एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। चार लोगों को ही थंब आए हैं मुझे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 44 चाहिए बेटा मुझे, सबके थम चाहिए। कृष्णा बेटा देखना कौन थम नहीं कर रहा है। ग्लोरियोसा ऑल लीफ हैव पैरेलल वेनेशन, यस बेटा लीफ हैज पैरेलल वेनेशन। बेटा अपुंशिया में लीफ कन्वर्टेड इंटू थॉर्न, यानी अपुंशिया का अगर लीफ का मॉडिफिकेशन देखे तो बेटा थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अपुंशिया में स्टेम का मॉडिफिकेशन देखे तो स्टेम कन्वर्टेड इंटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सर व्हाट इज स्वीट पी, स्वीट पी मतलब बेटा ये जो वटाणा नहीं आता अपने घरे खाता, दैट इज स्वीट पी बेटा। चलिए बेटा सबका थम नहीं आया अभी, वापस एक बार बोल दूं, स्टोरेज ऑफ लीफ में क्या होगा बेटा, फूड स्टोरेज होगा एट द बेस ऑफ द लीफ, इसीलिए उसको टूनिकेटेड लीफ बोलते हैं, टूनिकेटेड बल्ब बोलते हैं। अगर ऑनियन है तो एक होगा, गार्लिक है तो बहुत सारे, इसलिए कंपाउंड टूनिकेटेड बल्ब। क्लाइंबिंग बेटा सपोर्ट के लिए, ग्लोरियोसा में लीफ एपेक्स, स्माइलेक्स में स्टिप्यूल, स्वीट पी गार्डन पी में टर्मिनल लीफलेट, बिग्नोनिया में टर्मिनल लीफलेट कन्वर्ट इनटू हुक लाइक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेसिस इन स्वीट पी स्टिप्यूल कन्वर्टेड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर और लार्ज, अकेशिया ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पेटियोल कन्वर्ट एंड इट इज नोन एज फाइलोड। प्रोटेक्शन के लिए बेटा इन अकेशिया इन सिसिफस स्टिप्यूल, इन अगेव लीफ एपेक्स एंड ओपुंशिया में होल लीफ इज कन्वर्टेड इनटू थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। इंसेक्टिवोरी में बेटा नेफेंथ इसमें एपेक्स पार्ट कन्वर्ट इनटू पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एंड अर्ट्रिक्यूलारिया में होल लीफ इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा, डन। सर कैक्टस केम इन विच मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, बेटा कैक्टस कम इन द मॉडिफिकेशन, यही आएगा ना बेटा अपुंशिया का, कैक्टस और अपुंशिया बोथ ऑल आर सेम, कैक्टस को या अपुंशिया को दैट इज सेम बेटा। देव पता चला, ओके बेटा। सो एनीवन हैज एनी डाउट नाउ, अभी किसी को डाउट है बेटा, वो बेटा अपुंशिया में ही आएगा। क्लियर देव बेटा पता चला, कैक्टस यानी इट इज सिमिलर एज अपुंशिया।
चलिए बेटा, एनी वन हैज एनी डाउट? अभी किसी को कोई डाउट है? ओके, थैंक यू. तो बेटा आज का ये स्ट्रीम मैं यहीं पर फिनिश कर दूं. ओके बेटा, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ. होमवर्क बेटा आपको असाइन कर दिया है, तो आप होमवर्क रात को 8 बजे तक लिख के मुझे सबमिट कर देंगे बेटा. ओके सर, गार्डन पी एंड स्वीट पी आर डिफरेंट? यस बेटा, गार्डन पी एंड द स्वीट पी आर डिफरेंट, विथ स्पीसीज दे आर डिफरेंट, बाकी सब कुछ सेम होता है. लुक्स आप देखो बेटा ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ स्पीसीज थोड़ा डिफरेंट है. चलिए बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ.